हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लाइट में इन्फेंट यानी कि 2 साल से कम एज के बच्चों के ट्रैवल के लिए क्या रूल्स हैं। यानी कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2 साल से कम एज के बच्चों के लिए टिकट, बैगेज, बेबी स्ट्रॉलर एंड आईडी प्रूफ से रिलेटेड सारी डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं टिकट की। फ्लाइट में एक दिन के बच्चे के लिए भी टिकट लेना पड़ता है, लेकिन इन्फेंट कैटेगरी यानी कि अगर बेबी 2 साल से कम का है तो टिकट पे काफी डिस्काउंट मिल जाता है। डोमेस्टिक फ्लाइट ट्रैवल के लिए इन्फेंट टिकट का प्राइस मैक्सिमम एयरलाइन के लिए अप्रोक्सीमेट 1500 to 1700 रुपीज है। इन्फेंट कैटेगरी में बच्चों को अलग से सीट नहीं मिलती है, बेबी अपनी सीट पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक अडल्ट की गोद में ही बैठना होता है। अब बात कर लेते हैं कि कितने दिन का बच्चा ट्रैवल कर सकता है। सेफ्टी पर्पज से मैक्सिमम एयरलाइंस कम से कम 7 से 14 दिन के बच्चे को ट्रैवल करने के लिए अलाउ करती हैं। अब बात कर लेते हैं बैगेज की। इन्फेंट के लिए केबिन बैग अलाउ होता है, लेकिन चेक इन बैग अलाउ नहीं होता है। यानी कि आप अलग से इन्फेंट का केबिन बैग जो कि 7 kg या 9 kg जितना भी एयरलाइन की केबिन बैग वेट रूल है आप ले जा सकते हो। नेक्स्ट है बेबी स्ट्रॉलर। स्ट्रॉलर फ्लाइट के अंदर अलाउ नहीं होता है। स्ट्रॉलर के लिए गेट चेक इन अलाउ होता है। इसका मतलब है कि स्ट्रॉलर को आप बोर्डिंग गेट तक यूज कर सकते हो। बोर्डिंग गेट पे इसे आपको एयरलाइन एम्प्लॉय को देना होगा, वो आपको एक टैग देके स्ट्रॉलर ले लेंगे। डेस्टिनेशन पे पहुंच के ये टैग दिखा के आप अपना स्ट्रॉलर वापस ले सकते हैं। एयरपोर्ट में एंटर करने से लेके फ्लाइट में एंटर करने के पहले तक और फ्लाइट से बाहर निकलने पर आप स्ट्रॉलर का यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो स्ट्रॉलर को चेक इन बैग के साथ ही चेक इन काउंटर पे जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम एयरलाइंस स्ट्रॉलर का वेट आपके चेक इन बैगेज वेट में ऐड नहीं करती हैं। अब बात कर लेते हैं आईडी प्रूफ की। चेक इन के टाइम एज प्रूफ के लिए बच्चे की आईडी चेक होती है। बेबी के लिए आईडी प्रूफ है बर्थ सर्टिफिकेट, मदर का हॉस्पिटल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास बच्चे का एज प्रूफ नहीं है यानी कि कोई आईडी नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके कि बेबी 2 साल से कम का है, तो वो एज अ इन्फेंट इन्फेंट टिकट पर ट्रैवल नहीं कर सकता है। उस टाइम जो भी एयर टिकट के प्राइस होंगे आपको वो फुल चार्ज देना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।